कश्मीर में बहुत समय पहले टुनटुनी नाम की एक खिलौने बेचने वाली चिड़िया रहती थी। अच्छे खिलौने होने के कारण सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से ही खिलौने खरीदते थे। उस गांव में एक और खिलौने बेचने वाला कौवा रहता था। उसका नाम कालू था। वो टुनटुनी से बहुत जलता था। वो यही सोचता था कि कैसे टुनटुनी को परेशान किया जाए। पापा खिलौने, पापा खिलौने। बहन जी, वो लाल रंग का खिलौना देना है मेरे बच्चे को। ये लो बेटा। दीदी, मुझे वो नीले रंग की गाड़ी दे दो। अरे ये क्या, इतनी भीड़ लगाकर खड़े हैं, पर फिर भी मुझसे कोई खिलौने खरीदने नहीं आ रहा है। ले लो रंग बिरंगे खिलौने ले लो। मैं खिलौने बेचता हूँ, कबाड़ नहीं। दाम कम, खिलौना अच्छा, एक बार खरीदने के बाद चले सालों साल। अरे ये क्या, बाजार में किसी ने इस तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। लगता है सबके सब बहरे हो गए हैं। लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। टुनटुनी के पास जाकर देखता हूँ, वहीं पर ज्यादा बच्चे हैं। अरे क्या हुआ कालू भाई, तुम यहाँ क्यों आ गए? असल में वहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ तो बच्चे भीड़ लगाकर खिलौने ले रहे हैं, इसलिए सोचा इधर ही कुछ शुभ है। अरे कालू भाई, ऐसा कुछ नहीं है। असल में बात ये है कि पक्षी पैसा देकर अच्छा सामान खरीदते हैं। तुम भी अच्छे खिलौने दो तो बच्चे भी तुम्हारे पास भीड़ लगाकर खिलौने खरीदेंगे। कालू खिलौने वाला सोच तो ये बोलता है। बड़ा ज्ञान देने वाली बन रही है। रुक, तेरा ज्ञान निकालता हूँ। बहन, तुम यहाँ पर खिलौने बेचो और मैं तुम्हारी जगह जाकर खिलौने बेचता हूँ। ठीक है कालू भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। टुनटुनी फिर ये मत कहना कालू भाई ने मेरे ग्राहक छीन लिए। दोनों हल्की सी हंसी हंसते हैं। नहीं कालू भाई, कोई किसी का भाग्य नहीं छीन सकता, तुम निश्चिंत रहो। दोनों ने अपनी जगह बदल दी। एक पक्षी उड़कर आता है और टुनटुनी खिलौने वाले की दुकान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कालू अपने खिलौने बेच रहा होता है। बेटा, तुम्हें खिलौना चाहिए ना, अब बताओ कौन सा। अंकल, वो टुनटुनी दीदी कहाँ है, मैं उन्हीं से खिलौने लेती हूँ। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की ओर इशारा करते हुए टुनी चिड़िया को बताता है। टुनी चिड़िया उड़कर टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। अगले दिन कालू कौवा चिंता में घूमता हुआ टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है। तभी वो देखता है कि टुनटुनी अपने खिलौने बेचने के लिए खिलौने तैयार कर रही है। और तभी टुनटुनी चिड़िया किसी काम से बाहर जाती है और कालू छुपके से उसके घर में घुस जाता है। फिर वो कुछ खिलौने खराब कर देने के बाद जब अपने घर वापस जा रहा होता है तो एक कबूतरी उसको उड़ते हुए देख लेती है। अरे ये तो कालू खिलौने वाला है, लेकिन ये इतनी तेजी से उड़ क्यों रहा है, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। उसी दिन बाजार में टुनटुनी चिड़िया के पास लूसी कबूतरी खिलौने खरीदने आती है। दीदी मुझे वो हाथी देना। ये लो बेटा। अरे दीदी, इस हाथी का तो पैर टूटा हुआ है। टुनटुनी, ये क्या टूटे हुए खिलौने दे रही हो बच्चों को, मैं तुम्हारे पास से खिलौने नहीं लूंगा। टुनटुनी दीदी, आप मुझे टूटे हुए खिलौने दे रही हो। तभी कालू आवाज लगाते हुए बोला, आइए आइए, रंग बिरंगे खिलौने, मजबूत खिलौने, अच्छे खिलौने, बिना टूटे हुए खिलौने मिलेंगे, मेरे पास आइए, इधर आइए। तभी बच्चे उड़कर कालू खिलौने वाले की दुकान पर चले जाते हैं और उससे खिलौने खरीदने लगते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया खिलौने लेकर बाजार गई, लेकिन फिर से उसके खिलौने टूटे हुए निकले। आज बाजार में कालू के पास बहुत भीड़ थी। सभी पक्षी कालू से खिलौने खरीदने लगे। सभी पक्षियों ने टुनटुनी चिड़िया को ठग और झूठा समझना शुरू कर दिया। और इधर कालू तरक्की कर रहा था। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया चौंक गई और टुनटुनी चिड़िया मनी मन सोचने लगी, ये कालू का ही काम है, लेकिन मैं साबित नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं सच्ची हूँ तो एक दिन सबको सच जरूर पता चल जाएगा। अब कालू कौवे को और लालच आ जाता है। वो मिट्टी के खिलौने बिना पकाए उन पर रंग करके बेचने लगा और पक्षियों को ठगने लगा और बच्चों को पागल बनाने लगा। अगले दिन हंसते हुए कालू खिलौने वाला अपने घर पहुंचा। अरे सुनती हो, कहाँ हो? कल से ज्यादा मुनाफा करना है आज तो, और खिलौनों को अच्छे से रंग करो, मैं बाजार जा रहा हूँ। कालू कौवा बाजार के लिए निकल जाता है। रास्ते में कालू को टुनटुनी चिड़िया मिली। अरे टुनटुनी, बाजार नहीं जाओगी? नहीं, मैं बाजार नहीं जाऊंगी। मैं उसी दिन बाजार जाऊंगी जिस दिन गांव वाले मुझे बुलाएंगे।
टुनटुनी चिड़िया दूसरे गांव में गली गली घूमकर अपने खिलौने बेचने लगी। वो जोर जोर से आवाज लगाती। ठंडी में उसे बहुत कष्ट होता था, पर इसके अलावा टुनटुनी के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब कालू कौवा वापस अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, कल हमने इस पर ज्यादा रंग कर दिया था, इसलिए अब खिलौनों में से रंग निकलने लगा है। पक्षियों की बहुत शिकायतें आ रही हैं। ये सब बातें छुपकर बबली कबूतरी देख रही होती है। वो मन में बोलती है, अच्छा तो ये बात है, ये कच्चे खिलौने बेचकर हमको ठग रहा है। मुझे इस कौवे का पर्दाफाश करना होगा। बेचारी टुनटुनी कितनी ठंड में दूसरे गांव खिलौने बेचने जाती है। मुझे अभी जल्दी से गांव के पक्षियों को बुलाना होगा। वही दूसरी ओर कालू अपनी पत्नी से बातें करता है। आज रंग में पानी मिलाते हैं। बबली कबूतरी कालू के घर के बाहर चिल्लाने लगती है, अरे कोई है, अरे सबके सब कहाँ गए, अरे कोई है, अरे सब कहाँ हो, देखो कालू भाई क्या कर रहे हैं, देखो इतने दिनों से तुम लोगों ने कच्ची मिट्टी खरीदी है और पक्की मिट्टी का भाव दिया है, देखो देखो कालू भाई क्या कर रहे हैं। कालू और कालू की पत्नी पंचायत में सर झुकाकर खड़े हो गए। जिन पक्षियों ने कालू से खिलौने खरीदे थे वो भी खड़े होते हैं। पंचायत में बबली कबूतरी बोलती है, कालू ने टुनटुनी चिड़िया के खिलौने खराब किए, क्योंकि मैंने उस दिन भी कालू को टुनटुनी के घर से उड़ते हुए देखा था। तभी गांव का मुखिया हरी तोता कालू से कहता है, सुनो तुम्हारी सजा है, तुम्हें तुम्हारा सिर मुड़वा कर मुँह काला करके गधे पर बैठा कर पूरे गांव में घुमाया जाए और तुम्हारे सीने पर एक कागज पर लिखा जाएगा कि मैं बेईमान और लालची हूँ, और टुनटुनी चिड़िया को खबर भिजवाओ, कल से वो बाजार में खिलौने बेचने के लिए आ सकती है। सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के पास आए और बोले, टुनटुनी बहन आप ही बाजार में खिलौने बेचिए, हमारे बच्चों से गलती हो गई। टुनटुनी चिड़िया आसमान की तरफ देखने लगी और भगवान का शुक्र अदा करने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन उसके मायके से उसकी माँ का कॉल आता है, टुनटुनी बेटा तुम्हारे भाई चिंकू की शादी तय हो गई है और शादी अगले महीने है। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगी। शादी की बात सुनकर टुनटुनी की बेटी पीहू बोलती है, माँ मामा की शादी है और हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। तू चिंता क्यों करती है बेटी, मैं शादी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद दूंगी। लेकिन तुम कहाँ से खरीदोगी माँ, घर में तो एक भी पैसा नहीं है। मैं कल से खेतों में काम करूंगी और उससे जो आमदनी मिलेगी उससे तेरे कपड़े खरीद दूंगी। क्या माँ, सुबह से शाम तक तो काम करती रहती हो, अब खेतों में भी काम करोगी? बेटा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। माँ मैं भी तुम्हारे साथ खेतों में काम करूंगी। अरे नहीं बेटा, मैं खुद काम कर लूंगी, तुम लोग अभी पढ़ाई करो। लेकिन तुम अपनी सेहत का ख्याल रखना। अगले दिन, बच्चों मैं खेत में काम करने जा रही हूँ, तुम धूप में मत खेलने जाना। माँ मैं तो खेलने नहीं जाऊंगी, लेकिन गोलू मेरी बात नहीं मानता। कैसे नहीं मानेगा, मैं उसे अभी समझा देती हूँ। देख गोलू तुम धूप में मत खेलना। ठीक है माँ, मैं नहीं जाऊँगा, अब जाओ। टुनटुनी के खेत में काम पर जाने के बाद पीहू मैं खेलने जा रहा हूँ, अगर तूने माँ से चुगली की तो मैं तुझे बहुत पीटूंगा। तुझे माँ ने मना किया था ना, तो फिर क्यों खेलने जा रहा है? रुक मैं माँ को अभी बता कर आ रही हूँ। ठीक है तुझे बताने, मैं चला खेलने। पीहू बार बार माँ को कॉल करती है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। गोलू चिड़ा खेलते खेलते अचानक बेहोश हो जाता है। गोलू का दोस्त उसे घर लेकर आता है। पीहू दीदी देखो गोलू को क्या हो गया। मुझे गोलू को नहीं देखना, मैंने तो मना किया था, फिर भी ये धूप में खेलने गया, धूप लग गई होगी, अब भुगते। माँ ने भी इसे बहुत समझाया था लेकिन इसने माँ के प्यार की भी लाज नहीं रखी। चलो इसे बेड पर सुला दो। हेलो माँ, देखो ना माँ गोलू बेहोश हो गया है। ये तो क्या कह रही है, मैं घर जल्दी आ रही हूँ। टुनटुनी तेजी से उड़ते हुए आती है। माँ देखो ना, मैंने बहुत मना किया था लेकिन ये जबरदस्ती चला गया था। ठीक है बेटा तो चिंता मत कर, गर्मी की वजह से ये बेहोश हो गया, मैं इसका ध्यान रखती हूँ, तू जाकर खाना बना ले। माँ मुझे माफ कर दो, तुम्हारे इतना मना करने पर भी मैं धूप में खेलने चला गया, लेकिन मैं कभी भी धूप में खेलने नहीं जाऊँगा। शाबाश मेरे बेटे, तूने बहुत अच्छी बात कही। ऐसे ही काफी साल गुजर जाते हैं। अब गोलू और पीहू बड़े हो गए थे। एक दिन गोलू टुनटुनी के पास आता है। माँ हमें ये घर भेज देना चाहिए। कैसी बात कर रहा है बेटा, ये तेरे पापा की आखिरी निशानी है,
मैं मरते मर जाऊंगी पर ये घर कभी नहीं बेचूंगी, कभी नहीं बेचूंगी। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ तुम ये घर कैसे नहीं बेचती हो। गोलू, तू मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहा है, तुझे जो करना है कर ले, पर मैं ये घर किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगी। ठीक है माँ, तुम इस हौसले में रहो, मैं जा रहा हूँ। बेटा तू कहाँ जा रहा है मुझे इस बुढ़ापे में छोड़कर? अभी तो तेरी बहन की भी शादी नहीं हुई, मैं क्या करूँ? ले देकर मेरे पास यही एक घर है, तू इसे भी बेचने को कह रहा है? मुझे छोड़कर मत जा बेटा, मत जा। अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा, मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। जैसे गोलू घर से बाहर निकलता है उसे चक्कर आते हैं और वो गिर जाता है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी बाहर आती है और उसे उठाती है। देख बेटा, ये भगवान का इशारा है, तू अपनी माँ को छोड़कर मत जा। अगर तू मुझे छोड़कर गया तो वापस जिंदा नहीं आएगा और मैं फिर तेरे पापा के पास चली जाऊंगी। फिर तू अकेले इस घर में इधर उधर घूमते रहना। माँ मरने की बातें मत करो, मैं भटक गया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। गोलू तूने सही किया, अगर तू चला जाता तो माँ जिंदा नहीं रहती। चल अब चल कर खिचड़ी खा ले, मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई है। फिर तीनों मिलकर खाना खाते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, आज के लकी विनर्स के नाम ये रही आपकी स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, टुनटुनी के मायके में किसकी शादी थी? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।